हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एंट्रेंस एग्जाम गाइड। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं DAEEVCET 2021 के बारे में। आज हम इस वीडियो में DAEEVCET 2021 के बारे में हर एक डिटेल इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे, लाइक उसका एप्लीकेशन हम किस तरह से फिल कर सकते हैं, उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या है, एडमिट कार्ड किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही साथ DAEEVCET 2021 का सिलेबस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, कौन कौन इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकता है, कौन कौन अप्लाई नहीं कर सकता, हर एक चीज़ फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे आज हम इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ जो बेल आइकन बटन है उसे दबाना ना भूलें, ताकि अगर DAEEVCET 2021 का कोई भी नया अपडेट आता है, कोई भी नोटिफिकेशन रिलीज होता है, कोई भी न्यूज़ आती है उसके रिगार्डिंग, तो हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर पाएंगे, आपको नोटिफाई कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम शुरू करते हैं DAEEVCET 2021 के बारे में और डिटेल में जानना। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने किसी भी ब्राउजर पे जो है google.com ओपन कर लेना होगा, और google.com ओपन करते ही वहां पे सर्च करना है आप लोगों को DAEEVCET 2021 और आगे लिखना होगा cet.co.in। अब आप लोगों को cet.co.in लिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी गाइस, क्योंकि ये एक ऐसी एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जहाँ पे आप सिंपली एक क्लिक से DAEEVCET 2021 की फुल डिटेल इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं। उसी के साथ ये वेबसाइट जो DAEEVCET के ऑफिशियल वेबसाइट के साथ भी अपडेट होती रहती है, तो आपको सिंपली इसे जो है गूगल में सर्च कर लेना होगा। जैसे ही आप इसे गूगल में सर्च करेंगे तो सर्च करते जो सबसे पहला रिजल्ट आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है, आपको सिंपली उसे क्लिक करके उसे ओपन कर देना है। जैसे ही आप उसे क्लिक करके उसे ओपन करेंगे गाइस, तो आप लोगों के सामने एक जो न्यू पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको DAEEVCET 2021 के रिगार्डिंग हर एक डिटेल इन्फॉर्मेशन जानने मिल जाएगी। लाइक आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले हम जो है DAEEVCET 2021 का फुल फॉर्म डिस्कस करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं देवी अहिल्या विश्वविद्यालय कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो है DAEEVCET का फुल फॉर्म है, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ये DAEEVCET का फुल फॉर्म था जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में DAEEVCET कहते हैं। उसी के साथ साथ इस एंट्रेंस एग्जाम के द्वारा जो स्टूडेंट या कैंडिडेट उन्हें वेरियस अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन मिल सकता है इस यूनिवर्सिटी में। ये जो एंट्रेंस एग्जाम इसी यूनिवर्सिटी के द्वारा जो कंडक्ट किया जाता है, उसका मेन एम मेन जो मोटिव यही है कि जो भी स्टूडेंट या जो भी कैंडिडेट पोस्ट ग्रेजुएट या अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में, तो उनके जो इसका एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना होगा, उसके बाद वो एडमिशन ले सकते हैं। अब हम देखेंगे कौन से कोर्सेज जो प्रोवाइड कराए जाते हैं इस यूनिवर्सिटी में। लाइक अंडर ग्रेजुएट में आप देख सकते हैं डिवीजन बी इंटीग्रेटेड एमबीए 5 ईयर्स, बीकॉम ऑनर्स, एमएससी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बीए जर्नलिज्म, बीकॉम अकाउंटिंग एंड टैक्स मैनेजमेंट, बीए लॉ डिग्री होन्स, फिर डिवीजन सी में एमसीए 6 ईयर्स का जो कोर्स है वो, एमटेक आईटी 5 ईयर्स, बीफार्म 4 ईयर्स, एमबीए हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन 5 ईयर्स वाला। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट की बात करें तो यहाँ पे भी डिवीजन है और डिवीजन डी जो पूरी तरह से आपको बता दिया, एमबीए ऑल स्पेशलाइजेशन, एमकॉम एमए जर्नलिज्म, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म, डिवीजन बी डी में एलएलएम, एमएससी लाइफ साइंस इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, एमएससी इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन और एमएससी बायोकेमिस्ट्री। तो इतने सारे पूरे डिवीजन ए बी सी डी चारों के चारों डिवीजन के कोर्स मैंने आपको यहाँ पे बता दिए गाइस। अब हम इसके हाइलाइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। लाइक इसका जो फुल फॉर्म है वो है देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, हमने ऑलरेडी ऊपर डिस्कस किया था, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। बाद में टाइप ऑफ एग्जाम जो यूजी और पीजी लेवल है, लेवल ऑफ एग्जाम स्टेट लेवल है, कोर्सेज यहाँ पे जो ऑफर किए जाते हैं इंजीनियरिंग फार्मेसी और भी बहुत सारे दूसरे अलग अलग जो कोर्सेज यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। बात करें ऑर्गेनाइजिंग बॉडी की तो देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इसकी ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है। अब मोड ऑफ एप्लीकेशन और एग्जाम मोड दोनों ही जो ऑनलाइन मोड में जो है कंडक्ट होने वाले हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आप लोगों का एग्जाम लिया जाएगा और यहाँ पे इस वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट पर आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होगा, आप लोगों को वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके सबमिट करना रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे ड्यूरेशन दे दिया, टोटल 2 घंटे आपको दिए जाएंगे, 2 घंटे में पूरा पेपर आपको जो है कंप्लीट करना होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे क्विक लिंक्स के बारे में। सो कहते हैं जितनी भी क्विक लिंक्स है सारी के सारी क्विक लिंक्स मैं आप लोगों को जो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से सिंपली अगर किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके सामने दी हुई लिंक पे आपको क्लिक करना होगा, वहाँ पे क्लिक करते आप आसानी से उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में आसानी से जो है वो जान पाएंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं एग्जाम डेट्स के बारे में, तो आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म जो है मई में रिलीज हो जाएगा आपका, उसी तरह से एग्जाम जो है जून के एंडिंग में कंडक्ट होगा, रिजल्ट जुलाई के स्टार्टिंग में आप लोगों का मोस्ट प्रोबेबली जो है रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ से जो आप जो है डेट्स के रिगार्डिंग हर एक इवेंट जो है जान सकते हैं, हर एक इवेंट की डेट्स। नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में, सो कहते हैं एप्लीकेशन फॉर्म जो है DAEEVCET का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उतनी ज़्यादा सावधानी अलर्टनेस आपको देने की जरूरत है एप्लीकेशन प्रोसेस में, क्योंकि अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं कोई भी गलती या कोई भी मिस्टेक करते हैं तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो एक्सेप्ट नहीं होता है, रिजेक्ट हो जाता है। सो गाइस आप लोगों के साथ ऐसा ना, इसलिए आपको सिंपली क्या करना होगा वो भी मैं आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक और जो सबसे बड़ा इश्यू स्टूडेंट फेस करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के रिगार्डिंग वो ये है,
कि जब वो एप्लीकेशन फॉर्म भरते तो उन्हें नहीं पता होता किस साइज और किस फॉर्मेट में उन्हें डॉक्यूमेंट फोटोग्राफ सिग्नेचर स्कैन करके अपलोड करने रहते हैं। तो जब वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं स्टूडेंट्स, तो किसी भी साइज और किसी भी फॉर्मेट में जो डॉक्यूमेंट फोटोग्राफ सिग्नेचर स्कैन करके अपलोड कर देते हैं और इस वजह से उनका एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हो पाता है। सो गाइस आप लोगों के साथ ऐसा ना हो इसलिए आपको सिंपली क्या करना होगा, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ जो बेल आइकन बटन उसे भी दबा के रखना है क्योंकि हम आगे जो है DAWVCET 2021 एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाने वाले हैं। उसमें हम आप लोगों को जो है लाइव एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके बताएंगे, साथ ही साथ ये भी बताया जाएगा किस साइज में किस फॉर्मेट में आपको जो है डॉक्यूमेंट फोटोग्राफ सिग्नेचर जो है सारे के सारे स्कैन करने हैं, कितने KB में सेव करना है, कौन सा फॉर्मेट में अपलोड करना है, हर एक चीज़ आपको उस वीडियो में फुल डिटेल में बता दी जाएगी। तो मेक श्योर कीजिएगा अपने चैनल सब्सक्राइब किया और साथ ही साथ बेल आइकन बटन दबा के रखा हो ताकि आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने में कोई भी परेशानी कोई भी दिक्कत ना हो। अब बात करेंगे हम यहाँ पे एप्लीकेशन फी के बारे में। सो गाइस एप्लीकेशन फी जो आप लोगों की टोटल रहेगी 1500 रुपीज प्लस 50 रुपीज आपकी और एक्स्ट्रा रहेगी एज GST चार्ज आपका, लाइक आपकी टोटल मिला के एप्लीकेशन फी हो जाएगी 1550, यानी कि 1550 रुपीज हो जाएगी, 50 रुपीज आपका एक्स्ट्रा फी देनी होगी GST चार्ज का। आप फी डायरेक्टली ऑनलाइन मोड में भर सकते हैं, डायरेक्ट डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग के थ्रू या किसी भी पेमेंट गेटवे के थ्रू आप एप्लीकेशन फी भर सकते हैं। एप्लीकेशन फी नॉन रिफंडेबल है गाइस, एक बार अगर आप एप्लीकेशन फी भर देते तो वो रिफंड नहीं की जाएगी। अब बात करेंगे हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सो गाइस DAWVCET का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि अगर आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेटिस्फाई करनी होगी। अगर आप इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं करते तो आप इस एग्जाम के एलिजिबल नहीं है, आपको ये एग्जाम देने दिया नहीं जाएगा। तो इसलिए गाइस इसकी जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, आपको सिंपली क्या करना होगा डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पे क्लिक करना होगा, वहाँ पे आप डिटेल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेकआउट कर सकते हैं कि आप इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते हैं यानी सेटिस्फाई करते हैं या नहीं। लाइक आप यहाँ पे भी देख सकते हैं अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे दिया गया है, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो आप जिस भी कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो उस कोर्स के हिसाब से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेकआउट कर सकते हैं। लाइक आप देख सकते हैं अंडर ग्रेजुएट के लिए आपका जो 12 यानी कि HSC पास होना जरूरी किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या बोर्ड के द्वारा, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट में अप्लाई करने के लिए आपका जो ग्रेजुएशन होना जरूरी है किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या बोर्ड के द्वारा। अब एज क्राइटेरिया की बात की जाए अंडर ग्रेजुएट में तो आप जो 23 ईयर्स के जो है बिलो रहनी चाहिए, उससे कम उम्र रहनी चाहिए 23 साल से, और यहाँ पे जो है 28 ईयर से जो कम आपकी एज रहनी चाहिए, 28 ईयर से ज़्यादा एज नहीं रहनी चाहिए आपके पोस्ट ग्रेजुएट में अप्लाई करने के लिए। और जो लोग रिजर्व कास्ट से बिलोंग करते हैं उनको जो है यहाँ पे गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से यहाँ पे एज रिलेक्शन भी प्रोवाइड कराया गया है। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम यहाँ पे एग्जाम पैटर्न के बारे में। सो गाइस यहाँ पे एग्जाम पैटर्न आप देख सकते हैं अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए यहाँ पे अलग अलग दे दिया और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए भी अलग दे दिया गया है, और अंडर ग्रेजुएट कोर्स में भी आप देख सकते हैं डिवीजन बी और डिवीजन सी यहाँ पे अलग कोर्स अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और पोस्ट ग्रेजुएट में डिवीजन ए और डिवीजन डी का अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो आप जिस भी कोर्स भी जिस भी डिवीजन में अप्लाई कर रहे हो उस कोर्स के हिसाब से अपना फिर डिटेल एग्जाम पैटर्न यहाँ पे जो आके चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम सिलेबस की। सो गाइस सिलेबस जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जो फुल डिटेल में मिल जाएगा ऑफिशियल अथॉरिटीज़ के द्वारा, जैसे ही ऑफिशियल सिलेबस रिलीज होगा हम तुरंत उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाकर आपको नोटिफाई कर देंगे, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में आपको सिंपली एक क्लिक से आप अपना सिलेबस जो आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे अपने कोर्स के रिगार्डिंग। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम एडमिट कार्ड के बारे में। सो गाइस एडमिट कार्ड जो है DAWVCET का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है क्योंकि विदाउट एडमिट कार्ड आप लोगों को एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा, इनफैक्ट आप लोगों को एग्जाम सेंटर में भी नहीं लिया जाएगा। और एक और जो सबसे बड़ा इश्यू फेस होता है एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग वो ये है कि कई सारे स्टूडेंट्स को तो पता ही नहीं चल पाता कब एडमिट कार्ड रिलीज होता है, कब उसकी डाउनलोडिंग डेट जो है वो एंड हो जाती है। सो गाइस आप लोगों के साथ ऐसा ना, इसलिए आपको सिंपली क्या करना होगा, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ जो बेल आइकन बटन है उसे भी दबा के रखना है ताकि जैसे ही DAWVCET 2021 का एडमिट कार्ड रिलीज होगा डाउनलोडिंग के लिए अवेलेबल हो जाएगा, तो हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर देंगे, आपको नोटिफाई कर देंगे ताकि आप अपना एडमिट कार्ड आसानी से अच्छी तरह से डाउनलोड कर पाएंगे। बात की जाएगा रिजल्ट की, तो रिजल्ट के लिए भी सेम चीज फॉलो होती है, रिजल्ट डिक्लेयर होते हैं हम आपको तुरंत नोटिफाई कर देंगे, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक प्रोवाइड करा देंगे जिस पे क्लिक करके सिंपली आप अपना रिजल्ट आसानी से विदाउट किसी परेशानी के डाउनलोड कर सकते हैं, चेक कर पाएंगे। सो गाइस आई होप अभी आप लोगों को DAWVCET 2021 के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट नहीं होगा, अगर फिर भी कोई भी डाउट होगा और डिटेल्स जाननी तो मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैं जरूर आपकी मदद करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो के माध्यम से जो है हेल्प हुई हो, नॉलेज मिली हो, वीडियो इन्फॉर्मेशन वाला हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।